नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा अपने YouTube चैनल मैकमेनिया पर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और सिंपल मशीन्स यानी सरल मशीनों का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 लेकर के हम फिर से हाजिर हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 में आपको मैंने वेस्टर्न्स डिफरेंशियल गियर के डिफरेंशियल व्हील मशीन के विषय में बताया है, और इसके अलावा अभी हम आगे आपको सिंपल व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट का भी मैंने दिखा दिया आपको वहाँ पर, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। तो बहुत सरल सा था, कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं थी इनमें। और मेन मोटिव क्या है हमारा इन सब चीज़ों का, यानी ये चीज़ें अगर आई तो क्यों आई, सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज को अच्छे से अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जितना भैया अच्छा होगा उतना ही अच्छा मैकेनिकल एफिशिएंसी भी होगी, ठीक है ना। तो अब उसी की कड़ी को जोड़ते हुए हम चलते हैं सरल मशीनें यानी सिंपल मशीन्स के लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 पर, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। अभी पिछला जो लेक्चर था पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 का, उसमें हमने सिंपल व्हील एंड एक्सल आपको कवर करा दिया था, पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चलते हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। अब देखिए डिफरेंशियल व्हील एक्सल का कैसा अरेंजमेंट होगा, ये आपको मैं अभी से आपको पिक्चर समझा दे रहा हूँ, इमेज देने से पहले ही। अभी आपने पिछले ही लेक्चर में वेस्टर्न्स डिफरेंशियल गियर पढ़ा था, ठीक है ना। तो वेस्टर्न्स में आपने ऊपर देखा था एक फिक्स्ड पुली थी, ब्लॉक ए था और ब्लॉक बी था, बी नीचे लटक रहा था, नीचे मूवेबल ब्लॉक था बी, और जो ए था ऊपर देखिए फिक्स था, ध्यान होगा, और उसमें व्हील का अरेंजमेंट था यानी पुलीज का अरेंजमेंट था, एक के अंदर एक, डायमीटर डी वन बड़ा था, डायमीटर डी टू छोटा था, वैसा ही अरेंजमेंट अब यहाँ पर भी हमको मिलने वाला है। फिगर मतलब दिमाग में एक पिक्चर तो आपके सेट हो गई कि क्या केस होगा, वैसा ही हमको चलना पड़ेगा, लोड आर्म को उठाने के लिए वैसे ही पाई डी वन माइनस डी टू बाई टू करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज सेम लाइक दैट। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा एफर्ट हो सकता है, अगर आपको पीछे आ गया हो तो यहाँ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी एज यूजुअल हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, दिस मशीन इज ए इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल। अरे भाई अभी पीछे हमने सिंपल व्हील एंड एक्सल पढ़ा था कि भैया एक शाफ्ट थी उस पर एक व्हील जुड़ा था और व्हील के साथ में एक एक्सल भी जुड़ी थी, दोनों से एक थ्रेड कह लो, रोप कह लो, या आप कहना चाहते हो तो स्ट्रिंग कह लो, तो एक रस्सी होकर के गुजर रही थी जिसमें से एक सिरा जो है व्हील के ऊपर से इस तरफ था जिसमें हम प्रयास यानी एफर्ट लगा रहे थे, और दूसरा सिरा एक्सल के ऊपर से होकर के दूसरी तरफ लटक रहा था जिस पर लोड जुड़ा था, माउंटेड था, ठीक है ना। या पिक्चर बन गई क्लियर। कह रहा है दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सल बी एंड सी ऑफ डिफरेंट डायमीटर, और ठीक है ना, कहने का मतलब एक व्हील है इसमें ए, साथ में उसके दो एक्सल लग रहे हैं, समझ लेना, अभी एक एक्सल पीछे वाले दिखा था, अब यहाँ दो एक्सल हैं जो कि बी और सी है, इतनी बात आपको क्लियर हो गया। कह रहा है द व्हील एंड एक्सल आर कीड टू द सेम शाफ्ट, वही चीज़ है जैसे पीछे था, ठीक है ना, एक ही शाफ्ट पे व्हील और एक्सल्स जुड़े हुए हैं। टू स्ट्रिंग्स आर टेकन फॉर दिस मशीन, अच्छा पिछले वाले में हमने एक स्ट्रिंग देखी थी यानी रस्सी, यहाँ पर दो रस्सियाँ हैं, फॉर दिस मशीन इन विच वन स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड द व्हील ए, यानी एक रस्सी जो है व्हील ए से होकर गुजरेगी, टू कैरी द एफर्ट यानी एफर्ट लगाने के लिए पी लगाने के लिए, एंड अदर स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड टू द एक्सल बी, फर्दर पासस राउंड द मूवेबल पुली कैरिंग द लोड, ठीक है, इतना तो समझ ही रहोगे बी से पास होगा। चलो अभी हम पीछे समझा देंगे फिगर देख करके, बहुत आराम से समझ जाओगे। फिर कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द वाइंडिंग द स्ट्रिंग राउंड द व्हील ए एंड सी सेम डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन राउंड एक्सल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, अभी हम चलते पीछे समझा देंगे। चलिए पीछे ही समझाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा आपको, ये रहा फिगर, यहाँ समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा कि आपको जैसा अभी पिछले सिंपल में बताया था भैया एक व्हील होती है और साथ में एक एक्सल होता है, बस इतना पता पढ़ा था आपने। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे,
देखो अभी अभी जो मैंने दिखाया, एक ये शाफ्ट तो है ही, आप देख रहे हो ये बियरिंग के बीच में जुड़े हुए हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो ये व्हील है, व्हील क्या है, रोटेटिंग मोशन है। इस पर देखो ये एफर्ट भी इस तरफ रस्सी पर लगाया गया, पीछे भी यही था, रस्सी जो है देखो बंधी हुई है उस पर व्हील पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझना, तो एक रस्सी तो केवल आपकी इस व्हील पर है, उसी के अराउंड घूमेगी, बात समझ गए। दूसरी बात समझो, एक एक्सल देखो ये है बड़ा वाला बी, इस पर लिखा भी हुआ है ये बी, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ D1। और ठीक इसी तरीके इसी के नीचे छोटा सा एक और एक्सल लगा है, वो है सी, ये देखो लगा है ना, और इसका डायमीटर भैया D2 है, दिख रहा है आपको, सेम एक्सल है, अंदर ही इसके जुड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक जो रस्सी है यानी स्ट्रिंग है, वो इन दोनों के ऊपर से होकर गुजरेगी, कैसे, दोनों की डायरेक्शन बंधने की या लपेटने की या कहते हैं घुमाओ वाउंड होने की अलग अलग होगी। जैसे देखो ये एक पुली है, इसके ऊपर लोड बंधा है, इतनी बात समझ में, बहुत गौर से समझना। इसके देखो रस्सी का एक सिरा बी वाली जो ये एक्सल देख रहे हो ना, उसके दूसरी तरफ से ऐसे निकल के आया है, ऐसे दूसरी तरफ से निकल के आया, आप साफ साफ देख सकते हो, देखना फिर से दिखाता हूँ, ये देखो दूसरी तरफ से होके गया कि नहीं, और दूसरा सिरा भैया इस पुली से होते हुए देखो कहाँ से इस तरफ से होके गया, यानी कि आप इतना समझ लो कि एक सिरा अगर उधर से जा रहा है तो एक सिरा इसके इस सी पर सामने से होकर बाउंड हो रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, होगा इसमें ये भैया कि जब आप एफर्ट भी ऐसे लगाओगे तो आप समझ सकते हो घिरनी, ये जो व्हील है ये किस तरफ, अपनी तरफ घूमेगी, यानी नीचे की तरफ ऐसे घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी कि नहीं घूमेगी। अब जब ये घूमेगी तो इसी व्हील से भैया, बात समझिएगा, इसी व्हील से ये माउंटेड है, अब इस व्हील से अगर ये माउंटेड है तो ये भी तो इसी तरफ घूमने का प्रयास करेगा, कैसे, ऐसे। तो जब ये घूमने का प्रयास करेगा तो ये जो रस्सी है भाई, ये इस पर लपेटने लग जाएगी कि नहीं, ऊपर की तरफ देखो, इस पर ऐसे 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 लपेटने लग जाएगी, तो ये लोड ऊपर की तरफ उठने लगेगा, इतनी बात समझ में आ गई, लोड ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और साथ में ये जब ऊपर इस, ये जब रस्सी समझना, ये जब स्ट्रिंग इधर की तरफ से इस पर लपटने लगेगी तो इधर से छूटने भी तो लगेगी, ठीक है ना। और लास्ट होते होते क्या होगा कि जब ये छूटते 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 आखिरी में, आखिरी सिरा इसी पे तो बंधा है, आखिरी जो सिरा है वो इसी सी पे तो बंधा है, तो एक सिरे के बाद बंधा है, तो फिर ये रस्सी इस पर पूरी लपट जाएगी और लोड ऊपर उठ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट या नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट द डी इज द डायमीटर ऑफ व्हील ए, अब तो कुछ बताने लायक इसमें बचा नहीं है, बिल्कुल सेम पिक्चर वैसे ही चलेगी। D1 इज द डायमीटर ऑफ द बिग एक्सल बी, D2 इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल एक्सल सी, W इज द लोड लिफ्टेड, P इज द एफर्ट अप्लाइड, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, भैया एज यूजुअल जैसे पीछे बताया था π D1 - D2/2, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, पूरी इस पर लपटी हुई है तो π × D, वही वेलोसिटी रेशियो में रख दिया हमने, तो ये हमारा वेलोसिटी रेशियो हमको प्राप्त हुआ D2 सॉरी, ध्यान रखना ये D बेस में D2 या D1 लगा है बेटा, आज थोड़ा सा कर नहीं पाए, ध्यान नहीं दिया हमने शायद, तो बेस में है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये था आपका क्या, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील एंड एक्सल गियर, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था, जैसे आपने सिंपल वाला पढ़ा था भाई, सिंपल व्हील एंड एक्सल का अरेंजमेंट आपने भैया पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन बस फ़र्क क्या था, फ़र्क थोड़ा सा इतना सा था कि जो एक्सल वहाँ पर व्हील के अंदर व्हील था, वहाँ पर पुली के अंदर पुली थी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सल के अंदर एक्सल है बस, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो कैलकुलेशन पूरी पूर्ववत, यानी कि जैसा आपने पीछे कैलकुलेशंस की थी वैसी ही कैलकुलेशंस चल रही है। वेलोसिटी रेशियो निकालना है, वेलोसिटी रेशियो ही निकालना था हमको इन दोनों में, और मेन काम होता है वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज, तो वेलोसिटी रेशियो से ही मैकेनिकल एडवांटेज कवर कर लिया जाता है। तो चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, चाहे सिंपल वाला हो चाहे ये डिफरेंशियल वाला हो, ठीक है ना, इसमें बस वही जैसे पिछले में चले थे वैसे ही इसमें चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का अरेंजमेंट कैसा होता है, या आप वॉर्म, जैसे वॉर्म मोटर होती है ना,
आप लोग वाइपर की मोटर को कभी खोल के देखिएगा, जो ये कार में आगे वाइपर चलता है ना, उसमें वार्म और वार्म व्हील का ही अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये देखिए कह रहा है वार्म एंड वार्म व्हील। अभी पहले इसको आप समझ लीजिए होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये होती है वार्म, बात समझिएगा, ये जो लगा है ये पूरा हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद वार्म व्हील क्या होता है, ये पूरा हिस्सा, ये जो व्हील देख रहे हो ना आप, ये वार्म व्हील होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, लोड उठाने के लिए हम इसको भी यूज कर रहे हैं, वार्म एंड वार्म व्हील का अरेंजमेंट। एक चीज़ आप समझिए, देखिए ये एक व्हील है, ये वार्म है, ठीक है ना। वार्म छड़ कहते हैं इसको, इस तरीके से ये एक वार्म है, ठीक है ना। इसी पर देखिए, जैसे थ्रेड आप जानते होंगे चूड़ी कटी होना, देखते हो ना चूड़ियाँ कटी होती हैं, वैसे ही इस पर देखिए स्क्वायर शेप की थ्रेड्स कटी हुई हैं। ये देखिए एक थ्रेड दो, ऐसे ऐसे कटी है ना, ऐसे थ्रेडिंग होती है। देखिए देखते होंगे आप लोग बोल्ट नट के इधर उधर, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो होता है, इसमें थ्रेड्स कटी होती हैं, ठीक है ना, तभी तो ऊपर चढ़ती है नट बोल्ट आपस में ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है ना। इतना आप समझ लो। और इसके बाद इससे क्या होता है, एक जुड़ा होता है व्हील, ये देख रहे हो आप, और व्हील के चारों तरफ ऐसे ही थ्रेड कटे होते हैं। देखो ये दिख रहा है ना स्क्वायर शेप में थ्रेड्स, ये दिख रहा है ना, कटे होते हैं कि नहीं कटे होते हैं। अब होगा क्या इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक व्हील लगी हुई है बड़ी सी, ठीक है। तो जब ये व्हील घूमेगी, अर्थात कि इस पर जब हम एफर्ट पी इस तरह से लगाएंगे, तो ये पूरा एक चक्कर जब काटेगी, इसी से जुड़ा हुआ वार्म है, तो वार्म भी अपना एक चक्कर पूरा कवर करेगा, यानी कि एक रिवॉल्यूशन घूमेगा पूरा इस तरीके से। तो बात समझिएगा, जब वार्म अपना पूरा एक चक्कर कवर कर लेगा, तो वार्म के एक चक्कर कवर करने पे ये वाला जो व्हील का थ्रेड है भाई, ये थ्रेड आपस में देखते होगे ना बढ़ता आगे पीछे होता है, तो ये क्या करेगा, इसके एक टीथ की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अर्थात कि वार्म के एक चक्कर घूमने पर इस व्हील का एक टीथ केवल आगे बढ़ेगा, बात समझ गए ना। यानी कि 2πr, ये तो इसका सरकमफेरेंस हो गया, बाई टीथ, नंबर ऑफ टीथ यानी एक टीथ। तो ये टोटल डिस्टेंस इसका कौन, लोड को उठाने के लिए इतना डिस्टेंस ये एक चक्कर में कवर करेगा वार्म व्हील। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू नोन एज वार्म एंड ए टूथ व्हील नोन एज द वार्म व्हील गियर्ड विद ईच अदर। तो वही चीज़ ये कह रहा है भैया कि एक वार्म यानी कि एक स्क्रू, स्क्रू को वार्म ही कहते हैं, तो इस पर कैसे स्क्वायर सब में देखिए थ्रेड्स कटे हुए हैं, कटे हुए हैं ना, और साथ में इसके साथ में एक ये बड़ी सी व्हील जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं। करें एफर्ट व्हील ए, यानी एफर्ट पी देखिए व्हील ए पर लगाया जाता है, ऑफ डायमीटर डी इज अटैच्ड टू द वार्म। सिंपल सी बात समझिए, ये व्हील है एफर्ट व्हील, वो किससे अटैच है, एफ वार्म से व्हील है, ओवर विच कैरिड द एफर्ट पी। तो सिंपल सी बात दिखा दिया, रोप ऊपर से पास हो रही इस व्हील से। ए लोड ड्रम इज सिक्योरली माउंटेड कॉन्सेंट्रिक ऑन द वार्म व्हील। अरे भाई इस पर रस्सी लपटी है, ये व्हील का ड्रम है, और इससे जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे लोड ऊपर उठेगा, बस सिंपल सी बात है, रस्सी लपटती जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वन एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड टू द ड्रम व्हील व्हाइल द अदर एंड कैरी द लोड डब्ल्यू टू बी लिफ्टेड। इससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब भाई कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, ये जो व्हील आप देख रहे हो एफर्ट व्हील है ना ये वाली, इसका डायमीटर कैपिटल डी दिखा दिया है। स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम, यानी कि ये वाला लोड ड्रम, बात समझ गए ना, इसका डायमीटर दिखा दिया स्मॉल डी। अब चलते हैं। कह रहा है डब्ल्यू लोड टू बी लिफ्टेड, यानी वेट है, पी इज द एफर्ट अप्लाइड, बिल्कुल सही है। हमको क्या निकालना भैया, ध्यान रखना, हमको निकालना है वेलोसिटी रेशियो है इन लास्ट में। टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन वार्म व्हील। ये देखिए वार्म व्हील आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये पूरा, तो इस पर नंबर ऑफ टीथ की वैल्यू दिखा रहा है। अब मैंने बताया ना कि जब ये व्हील, ये वाला व्हील घुमाएंगे, तो एक चक्कर ये व्हील घूमेगी, उसके साथ में ये वार्म भी एक चक्कर घूमेगा, तब हमारा जब ये एक चक्कर घूमेगा, तब ये जो वार्म व्हील है ये वाला, इसका एक थ्रेड केवल आगे बढ़ेगा, बात समझ में है ना। यानी कि एक रिवॉल्यूशन पूरा इसका लगा दो, यानी इस वाले व्हील का,
तब जाकर के कहीं ये एक थ्रेड ऊपर चढ़ेगा। तो कह रहा डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील, तो भैया डिस्टेंस कितना, पूरी देखो ये पूरी रस्सी इस पर लिफ्टी हुई कि नहीं, तो उसके सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर के बराबर ही, तो पाई इंटू डी कैपिटल डी, इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा लोड ड्रम विल मूव थ्रू वन टीथ ऑफ वॉर्म आफ्टर वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील। वही चीज़ है कि व्हील जो है, वॉर्म व्हील जो है, लोड ड्रम उससे माउंटेड है, वो एक ही टीथ केवल आगे बढ़ेगा। कब? जब आपका वॉर्म एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर व्हील के साथ में पूरा कर लेगा। चलिए, सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, कितना, देखिए इस ड्रम का जो पेरीमीटर है वो पाई इंटू डी है, स्मॉल डी सॉरी, और कितना पर टीथ, समझ गए ना, कितनी डिस्टेंस पर टीथ, इतनी डिस्टेंस तो अपॉन टी, इतनी बात आप समझ गए, पर टीथ वो इतना डिस्टेंस चलेगा। अब वेलोसिटी रेशियो एज यूजुअल सभी को पता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो भैया डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट क्या था, पाई इंटू स्मॉल डी अपॉन, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द ड्रम या लोड लोड आर्म पाई इंटू स्मॉल डी अपॉन टी। ये टी तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए डी टी अपॉन स्मॉल डी फॉर द सिंगल थ्रेड। बात ध्यान समझना, एक थ्रेड के लिए ये बात हो रही है। तो जब एन नंबर ऑफ थ्रेड्स हो दोस्त, तो क्या हो जाएगा, नीचे ही एन से मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर में एन से, क्यों, क्योंकि बात समझो, नीचे क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ मल्टी थ्रेड से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये का वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक बेटा मुझे लगता है किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कोशिश पूरी ये की गई है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए और अच्छे से अच्छा आप कवर कर सकें, ठीक है ना। हमने यहाँ पर बेटा अभी तक जो भी पढ़ाया है, देखिए आज आपको वॉर्म व्हील और वॉर्म गियर भी कवर कर दिया है, पीछे अब बहुत कम सिलेबस आपको बचा है, तो आप लोग पिछली जितनी भी प्रैक्टिस हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक करते रहिए। डाउट आपके एक एक में क्लियर करूँगा। अभी थोड़ा सा व्यस्तताओं की वजह से लेक्चर्स धीमे आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद इस बार आया है, पहले मैं एक एक दिन पर एक दिन के रोटेशन पर भेजा करता था, चूँकि अब कॉलेज में जाना पड़ता है थोड़ा बहुत कार्य प्रणाली बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हो गया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, इन व्यस्तताओं के बीच में भी मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आपका कोर्स भी कवर हो रहा है, हो चुका है लगभग, थोड़ा बहुत बचा है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत ही है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग अपने डाउट्स बिल्कुल अपने पास रखें, मैं आपको आपकी होने वाली परीक्षा में एक भी डाउट के साथ नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है, लेक्चर का पार्ट नंबर 2 भी यहीं कवर होता है। फिलहाल प्रैक्टिस करते रहिए। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या।